हेलो व्यूअर्स, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैं रेसबेरी पाई 4 कंप्यूटर का जो है मॉडल बी का मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। और इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि रेसबेरी पाई जो है, यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरे पास रेसबेरी पाई 4 है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं 8 GB रैम लिखा हुआ है। तो क्या हम किस तरीके से हम जो है इसे चेक कर सकते हैं कि ये 8 GB का रैम है, ये बोर्ड जो है रेसबेरी पाई 4 जो है 8 GB रैम का है या 4 GB रैम का है, किस तरीके से हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं कि है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि ये 8 GB रैम का है या 4 GB रैम का जो है आपका यहाँ पर है। तो इसको किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कोड दिया है, इससे भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट किस तरीके से पता किया जाता है, क्योंकि आप अगर बाय करने जा रहे हो या आप कोई ऑनलाइन स्टोर से आपने ऑर्डर किया है, तो आप जो है आपको जो सेलर होता है आपको हो सकता है आपने 8 GB रैम का या 4 GB रैम का ऑर्डर किया था, या आपको जो है 2 GB रैम का आपको दे दिया है। तो उसको किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आप पहला सबसे फर्स्ट टाइम जो है अगर आप रेसबेरी पाई खरीदे हो 4, तो आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो बेसिकली पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ ये रेसबेरी पाई 4 क्या है। ये इसको जो है एक पोर्टेबल CPU भी बोल सकते हैं, जो कि आप जो है लो कॉस्ट पोर्टेबल CPU बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसबेरी पाई 4, जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है IoT फील्ड में, IoT डिवाइस में, जो आप IoT प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें यूज़ होता है, और यहाँ पर रोबोटिक्स के फील्ड में काफ़ी यूज़ होता है। और यहाँ पर आपको ये जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ये देखने को मिलेगा किस तरीके से जो है रेसबेरी पाई 4 का जो है हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप किस तरीके से जो है पोर्टेबल हैकिंग डिवाइस बना सकते हो, किस तरीके से जो है आप एक काली लिनक्स का जो है यूज़ कर सकते हो, उसमें पैड सिक्योरिटी लिनक्स यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से जो है फ़ोन के साथ जो है हम काली लिनक्स यूज़ कर सकते हैं फ़ोन में यूजिंग रेसबेरी पाई 4, किस तरीके से जो है आप इसे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं रेसबेरी पाई 4 के जरिए, किस तरीके से जो है डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं और होस्ट कर सकते हैं वेबसाइट को, इसके बारे में बताएंगे। सारी जो है हैकिंग के फील्ड में क्या क्या यूज होते हैं रेसबेरी पाई 4 का, इसके जो है सारी सीरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका क्या क्या प्रोसेस है और किस तरीके से एनालिसिस किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं USB जो है सी टाइप है जो कि पावर सप्लाई के लिए है, और ये देख सकते हैं HDMI पोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप ये देखें ये जो है इथरनेट पोर्ट है देख सकते हैं, और ये देखें USB पोर्ट है यहाँ पर आप देखें, ये देख सकते हैं आपको USB पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा का यहाँ पर जो है यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, और ये जो है इसके साथ जो है कैमरा अगर आप वाईफाई को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर की जरूरत होगी। यहाँ पर देख सकते हैं टीपी लिंक का यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर टीपी लिंक का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में आपको इस पर डिटेल वीडियो जो भी सीरीज आएंगे उसमें आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जो आपको चेक करने के लिए आपको आपके पास जो हार्डवेयर होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो यहाँ पर आप देखें आपको पावर सप्लाई यहाँ के लिए यहाँ पर चार्ज सी टाइप का आप इसका जो है चार्जर ले सकते हो रेसबेरी पाई का, या फिर आपके पास अगर जो है पावर बैंक है तो आप पावर सप्लाई जो है पावर बैंक से भी दे सकते हैं। और यहाँ पर देखें HDMI पोर्ट आपके पास होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये HDMI पोर्ट जो है आप अपने मॉनिटर के साथ जो है कनेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ यहाँ पर आप देखें, और आपको पावर सप्लाई में आपको पावर जो है दे देना है, यहाँ पर आप देखें पावर मैं दे दिया हूँ। अब देखें ये चीज़ें आप जो है कनेक्ट कर देना है आपको HDMI केबल जो है वो, अगर आपके पास मॉनिटर है तो मॉनिटर के साथ कनेक्ट करें, अगर आपके पास LED TV है तो उसके साथ कनेक्ट करें। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे LED TV में किस तरीके से कनेक्ट करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ अभी कनेक्ट नहीं करना है, सबसे फर्स्ट मेथड यही होता है। यहाँ पर देखें मैं कोई भी यहाँ पर मेमोरी कार्ड नहीं कनेक्ट किया हूँ, और ऐसे ही है, और इसे चेक करेंगे इसके बाद आपको डायरेक्ट सिंपल सा आपको जो है ये जो एक HDMI केबल यहाँ पर आपको दे देना है, कनेक्ट कर देना, और एक पावर सप्लाई दे देना। तो यहाँ पर आप देखें जैसा कि आपको हमने बताया था कि मैं LED TV में जो है कनेक्ट कर दिया हूँ और उसमें करके दिखा रहे हैं। तो HDMI केबल अगर आपके पास मॉनिटर है तो आप मॉनिटर के साथ कनेक्ट करें, अगर आपके पास LED TV है या TV है तो आप उसके साथ कनेक्ट करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखें तो मैं यहाँ HDMI यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सप्लाई यहाँ पर मेरा यहाँ पर है दिया हुआ है, और मैं यहाँ पर आप ऑप्शन में देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें
तो HDMI 1 पे है करेक्ट, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो ये चीज़ें अब यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर फोकस करें इस साइड में, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं Raspberry Pi 4 मॉडल B, तो 8GB रैम। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको पता कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें 8GB रैम दिया गया है और ये 8GB का रैम का है, तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से पता कर सकता है। क्योंकि अगर आप मार्केट में कहीं परचेस करने जाते हो या ऑनलाइन मंगाते हो सकता है वो आपको 8GB रैम का आपने ऑर्डर किया या आपको दे दिया 2GB रैम का, तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका जो है जो बोर्ड है Raspberry Pi 4 का वो कितने GB रैम का है। और अब इस हमारे जो है YouTube चैनल के आने वाले सीरीज़ में आपको जो है सारे Raspberry Pi का जो है सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या यूज़ होता है Raspberry Pi का और क्या क्या यूज़ किए जाते हैं ये हैकिंग के फील्ड में और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, क्या क्या आप कर सकते हो, जैसे किस तरीके से सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है डार्क वेब को एक्सेस किया जा सकता है, ये सारे जो है आपको ट्यूटोरियल्स आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे। अगर आप इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स में इंटरेस्ट, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं वहां पर भी अपडेट लाता रहता हूं।